आज इस वीडियो में हम अपने सभी व्यूवर्स के साथ एक करी अथवा अंडा करी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, जिससे वीडियो में बताए गए सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके अपने घर में भी इसी प्रकार की एक करी बना सकते हैं। नमस्कार, इंडियन फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। चले तो शुरू करते हैं आज की एक करी की रेसिपी। आज हम 8 अंडों की एक करी रेसिपी बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने 8 अंडे लिए हुए हैं। सबसे पहले नहीं हम बॉईल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बॉईल करने से लेके एक करी को सर्व करने तक सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली हुई है, जिसे पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। एक एक करके हम सारे अंडे सावधानी पूर्वक ऐड करते जाएंगे, जिससे कि एग जो है वो क्रैक ना हो। अगर अंडा क्रैक हो जाएगा तो उबालते समय वो फूट जाएगा, इसके लिए सावधानी से ऐड करें। हमने सारे अंडे ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और जो घरों में हम आप या हमारे घर में जो भी ऑयल यूज़ होता है, कुकिंग ऑयल, उसको थोड़ा ऐड कर देंगे। इसका एक ऐड करने का एक रीज़न है, जिससे कि जो हम एग को छीलते समय, जो अब अंडे को आप छीलेंगे, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। ये हमने हरी मिर्च और बाकी सब हरे मसाले लिए हुए हैं। हरी मिर्च है, 2 टमाटर है, 1 इंच अदरक है, 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, और 3 ऑनियन लिया हुआ है हमने। इनको सभी को हम चॉप कर लेंगे। अंडों को 10 मिनट तक उबालने के बाद हमारे अंडे बॉईल हो चुके हैं। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अंडों को सबसे पहले आपको थोड़ा क्रैक कर लेना है, किसी भी स्किन पे कहीं पे मार के। उसके बाद आपको इसे हाथों में रब करना है, जिससे उसके जो सेल्स होंगे वो उसकी स्किन से अलग हो जाएंगे। नमक और ऑयल डालने की वजह से ये आराम से आप छिल जाएंगे। आपको आराम से छिलना है। छिलने से पहले आप अंडे को थोड़ा ठंडा कर लें, ठंडे पानी में डाल दें, इससे वो ठंडे हो जाएंगे, या तो फिर थोड़ी देर रख दें। हमारे अंडे भी थोड़े गर्म हैं, नहीं तो फटाफट आपके स्किन अलग हो जाएंगे इसके। एक ही करके हम सारे अंडे को ऐसे इस प्रकार छील लेंगे। देखिए, वापस थोड़ा सा आपको इस मार कहीं भी आपको उसे क्रैक करना है, फिर हाथों में रब करना है, फिर आपको सावधानीपूर्वक सारे आराम से अलग हो जाएंगे, इजली रिलीज हो जाएंगे, छूट जाएंगे वो। अभी हमारे जो एग है वो थोड़े गर्म है, इसलिए आपको पहले एग को थोड़ा ठंडा कर लेना है। धीमे धीमे से सारे को आपको छील लेना है। हमने सारे अंडे को छील लिया है। अब इसकी स्किन पे थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको अंडों में छेद कर देना है। या अपने टूथपिक से छेद करें, आप फ्लॉक से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप एग को फ्राई करेंगे ऑयल में, तो जो ऑयल छिटकता है वो छटकेगा नहीं आपके ऊपर। हमने सारों में छेद कर लिया। थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक, इन सभी को अच्छे से रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो अंडे की स्किन है उस पर थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा और रंगत भी आ जाएगी। ये हमने थोड़े हल्दी ऐड कर दी है। ये 3 चीज़ आपको ऐड करना है।
बाकी कोई मसाला आपको ऐड नहीं करने। इसको अच्छे से अंडों पे रब कर दे, सब पे रब कर दिया। कढ़ाई को गर्म करके रख दिया। हम सरसों का तेल का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा करके नॉर्थ साइड सरसों का तेल यूज़ करते हैं नॉन वेज बनाने में। इसका एक अलग फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो अच्छा लगता है नॉन वेज के साथ। जब आपका ऑयल बहुत गर्म हो जाए तो आपको तब एग ऐड करने हैं, जिससे वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी आपको ऐड करना है, और फिर आपको जितना फ्राई करना है उसके हिसाब से आप उसे फ्राई करें। कम फ्राई करना है, मीडियम या ज़्यादा फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होता है, जो एग की स्किन होती है वो क्रिस्पी हो जाती है। हम मीडियम फ्राई करेंगे। सारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसे निकाल लेंगे। अंडों को सावधानी से निकालें क्योंकि ऑयल गर्म है। ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें घर के जो मसाले आपके घर पे होंगे आप उसमें से कोई भी मसाले यूज ले सकते हैं जो आपके पास हो। दालचीनी लिया, तेज पत्ता लिया हुआ है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, और जीरा है, और मेथी दाना है। ये हमने मसाले लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ये हमने ओनियन को चॉप कर लिया है, 3 ओनियन ली थी, और ये हरी मिर्चें हैं, और ये टमाटर है, और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने कूट लिया है। सबसे पहले हमने गरम तेल में मेथी दाना डाला है। मेथी दाना जब आपका तड़क जाए या फूट जाए, जो भी आप बोलते हो, फिर उसके बाद दूसरे मसाले ऐड करें। दालचीनी हमने ऐड कर दी है, लाल मिर्ची की हमने ऐड कर दी है, और ये तेज पत्ता, और बाकी मसाले हमने ऐड कर दिए। इन मसाले को थोड़ा देर भुनने देंगे, जिससे जो इनका फ्लेवर है वो तेल में ऐड हो जाए। आज को हम स्लो मीडियम रखेंगे। उसके बाद हम ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को ऐड करने के बाद आप नमक भी ऐड कर सकते थोड़ा, जिससे आपकी ऑनियन जल्दी गल जाएगी। और अगर आप चाहें तो जब आप टमाटर ऐड करते हैं उसके बाद आप नमक डालें, तो जिससे आपका टमाटर जल्दी गल जाएगा। अब हम ऑनियन को फ्राई होने देंगे, ब्राउन होने देंगे उसको ऑनियन को। ज़्यादा फ्राई ना करें, जल जाए जिससे ऑनियन। देखिए इतना तक आपको फ्राई करना है, उसके बाद आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना अंदर, और जब आपके मसाले उसको चलाते रहें, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो तली में चिपक सकता है, इसके लिए हल्का हल्का चलाते रहें बीच बीच में। और हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है, हरी मिर्चें, सब कुछ फ्राई होने के बाद हमने लास्ट में हमारे 2 टमाटर जो चॉप किए थे उसको ऐड कर दिया है। और जब हम टमाटर ऐड करें उसके बाद थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर दें, जिससे वो आसानी से गल जाएगा। टमाटर ऐड करने पे होता है कि जो मसाले पकने की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होती है, वो स्लो पड़ जाती है थोड़ा सा, उसे खट्टे होने की वजह से। इसके लिए हम नमक ऐड करते हैं ताकि वो फटाफट गल जाए। हमारे टमाटर भी गल चुके हैं, ऑयल सरफेस पे आप देख सकते हैं मसालों के, इसे साइन है कि आपके मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम बाकी मसाले लेंगे, सूखे मसाले, उसे एक साथ ऐड कर देंगे और चला देंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मसाले जल सकते हैं तो थोड़ा सा पानी आप ऐड करते रहें, जिससे आपके मसाले जलेंगे नहीं, और अच्छे से धीमी आँच पे भुनने दें उसे, जिससे वो अपना फ्लेवर जो होता है ना वो जूसेस आपके रिलीज़ कर देगा। उसे अच्छे से भुने, मसाले को अच्छे से भुनना ज़रूरी है किसी भी करी में। इसके लिए हल्का हल्का पानी डालकर
जब तक वो ऑयल रिलीज ना कर दे तब तक उसे धीमी आँच पे भूनते रहे। हमने ढक दिया है, अब मसालों को भुनने देंगे। बीच बीच में मसालों को चलाते रहे ताकि मसाले जो हैं वो कढ़ाई से चिपके नहीं। देखिए ऑयल अब देख सकते हैं सरफेस पे आ गया है, ये साइन है कि आपके मसाले अच्छे से भून चुके हैं। देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें एग ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो एग होते हैं वो जिसमें हमने छेद किया था वो मसालों को, मसाले के फ्लेवर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए थोड़ा जूस, जो जूस लगाते हैं आप या तो रस्सा लगाते उसके पहले ही थोड़ा अंडे को ऐड कर दें। देखिए हमारी मसालों का रंग लाल हो गया है। अब कोई भी एक्स्ट्रा कश्मीरी मिर्च आप या तो कोई रंग 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 बढ़ाने वाला कोई भी मसाला होता है उसे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से मसालों को भूनना है। हम गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। कोई भी करी बनाते समय जब आप लास्ट में जो पानी ऐड करते हैं तरी के लिए या जूस जो भी आप करते हैं तो आपको गर्म पानी ऐड करना है, जिससे जो मसालों का फ्लेवर होता है वो बना रहता है। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो जो मसालों का फ्लेवर है वो कम हो जाएगा। लास्ट में हमने नमक ऐड कर दिया, जितना आप नमक खाते हैं उसके अनुसार नमक ऐड करें। चला दिया, आप ढक देंगे। अब इसे धीमे धीमे आंच पे मीडियम फ्लेम कर दिया, धीमी आंच कर दे, उसे पकने दें। हमारी करी पक चुकी है, इसका साइन है जो ऑयल आपको ऊपर दिख रहा है साइड साइड में, और हमने लास्ट में गरम मसाला ऐड किया है 1 चम्मच। को अच्छे से हिला दें और 2-3 मिनट पकने दें, उससे ज़्यादा नहीं, और ढक के पकाएं ताकि गरम मसाले का फ्लेवर करी में बना रहे। हमारी करी रेडी हो चुकी है। हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया ऊपर से। हमने फ्लेम बंद कर दिया। अब करी को सर्व करने का टाइम आ गया है। आप करी के जो जूसेस है उसके कलर देख सकते हैं। हमने कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया हुआ है, या कश्मीरी लाल मिर्च या तो कुछ ऐसा ही, फिर भी कलर जो कलर है बहुत अच्छा आया हुआ है। ये थोड़ा रोगन, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के अलग अलग रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हमको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की रेसिपी का आनंद उठाते रहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने घर पे एक बार ज़रूर बना के देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।